अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइज, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, आप लोगों को वेलकम है जी। गाइज, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करें और इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते करें, खुद ही फ़ायदा ना उठाएं, दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा, आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी हो भी सकता है, लेकिन सिंपल सी बात है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ यूट्यूब ऑडियंस के नाम से, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उन पर क्लिक करके वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी गाइस, हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कोव्स इलेक्ट्रोलाइटिक मैथड। तो कोव्स इलेक्ट्रोलाइटिक मैथड है ये, ज़रा इस पर फोकस करना मनी, कोव्स इलेक्ट्रोलाइटिक मैथड पर। ये कोव्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है हमारा जो इनफैक्ट आज का टॉपिक है। ये कोव्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसे हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों ही प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब सॉल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं ये मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूँ, मैं शॉर्टली बता देता हूँ। तो शॉर्टली मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सॉल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सी डब्ल्यू एच ग्रुप होता है। अब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ एक सी डब्ल्यू एच ग्रुप है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब इसके अंदर अगर आखिरी हाइड्रोजन है, जैसा कि सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच है, इसकी आखिरी हाइड्रोजन की जगह पर कोई मेटल लग जाएगी, लाइक सोडियम, लाइक आप बात कर ले कैल्शियम की, लाइक पोटाशियम है, तो वो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से बन जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास अल्केन्स आती है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट के साथ। तो ये जब आपकी टेक्स्ट बुक की आप बात करते हैं तो आपका पेज नंबर 143 पे है, कुछ बुक्स में 144 भी होगा, थोड़ा जूम आउट कर लेना था यार। अच्छा, कोव्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, ये जैसे बुक में लिखा आपने ऐसे करना है, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। अब या तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स इससे पूछी जाएगी, या प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पूछी जाएगी, या अल्काइन्स पूछी जाएगी, तीन अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अल्केन्स पूछी जाए तो आपने ये सारा लिखना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, मैं वहाँ से पढ़ देता हूँ। पेज नंबर 143 से के एंड से स्टार्ट हो जाता है, कुछ बुक्स में 142 भी हो सकता है, 144 भी हो सकता है। व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड अल्केन इज प्रोड्यूस्ड, ये आप लोगों ने वर्ड बाई वर्ड याद करना है। द मेथड इज ओनली सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। सिमेट्रिकल अल्केन्स क्या होते हैं? ऐसे अल्केन्स जिनको दरमियान में से हाफ किया जाए तो दो इक्वल हाफ बन जाए, वो सिमेट्रिकल अल्केन्स होते हैं। दैट इज दोज ऑफ द टाइप आर आर, आर का मतलब भी सी एच थ्री ग्रुप और दूसरे आर का मतलब भी सी एच थ्री, मतलब इथेन या मतलब एक जैसे दोनों तरफ ग्रुप आते हैं। तो ये वाली बात मल्टीपल चॉइस भी है कि कोव्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से जो अल्केन प्रिपेयर होते हैं वो हमेशा सिमेट्रिकल होते हैं। मिथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड, इससे मिथेन प्रिपेयर नहीं होती, ये भी मार्क कर लें, दैट्स अनदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद रिएक्शन दिया हुआ है 2RCOONA। अब ये R की जगह पर आप CH3 लिख लें, एग्जाम्पल के साथ इसको करें, हम CH3 लिख लेते हैं। चलें जी, ये रिएक्शन हम करते हैं, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जूम इन कर लें यार, यहाँ पर देखें इसका जो रिएक्शन बनेगा, हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इसकी बात करें दैट इज एसिटिक एसिड, दैट इज द एसिड। अब इस एसिड के आखिरी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की जगह पे अगर हम सोडियम लगा देते हैं, पोटेशियम भी लगा सकते हैं, कुछ बुक्स में पोटेशियम भी इसके साथ लगी हुई है, इसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है नेगेटिव हो जाती है, सोडियम पॉजिटिव हो जाती है। जब वाटर की प्रेजेंस में इसमें से करंट पास करवाया जाता है, बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनिक में आपके बैलेंसिंग के नंबर डिडक्ट नहीं होते, तो इलेक्ट्रोलिसिस अ बिट रिवर्सिबल भी होती है। यहाँ पर हम इसकी करवा देते हैं जी इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ऐसे में होता क्या है, इथेन बन जाएगा, क्योंकि मिथेन तो इससे बनता नहीं, इथेन बन जाएगा, साथ में इस इथेन के कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा, साथ में इसके हाइड्रोजन गैस भी बन जाता है, साथ में इसके हाइड्रोजन गैस के साथ 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 में इसके NaOH भी बन जाता है। मैंने एक ही बोर्ड पे सारा रिएक्शन पूरा करना है तो जिस वजह से स्पेस थोड़ी लिमिटेड है मेरे पास। तो अब देखें इसका मैकेनिज्म नोट कर लें कि इसका मैकेनिज्म, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास बनी कैसे, तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं।
मैकेनिज्म इसका समझने वाला है। मैकेनिज्म से पहले भी आपकी टेक्स्ट बुक में उसने एक दो लाइंस लिखी हुई हैं, वो आपकी एक दो लाइंस जो हैं वो मैं इधर से बुक से आपको रीड भी कर देता हूँ, वो आपने वर्ड बाई वर्ड याद करनी है। इट इज़ नोन टू इन्वॉल्व द फॉलोइंग मैकेनिज्म, इसके ऊपर आप मैकेनिज्म की हेडिंग दे दें। When potassium salts of acetic acid is electrolyte, acetate ions migrate towards the anode, give up one electron to produce acetate free radicals, which decomposes to give a methyl free radical and carbon dioxide. Two such methyl radicals combine to give ethane. ये वाली lines आप लिखेंगे, उसके बाद direct आप इसके mechanism पर आ जाएँ। तो mechanism में देखें, उसने CH3 ही लिख दिया, mechanism में उसने यहाँ R नहीं लिखा। तो मैकेनिज्म देख लें, सबसे पहले जब इसमें से हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये एसिटिक एसिड जो है, सोडियम एसीटेट जो होता है, आई एम गोना राइट हेयर, ये स्प्लिट कर जाता है एसीटेट आयन में एंड Na पॉजिटिव। अब इनके जब हम नाम लिखते हैं, दैट इज सोडियम एसीटेट, इसको हम सोडियम एसीटेट बोलेंगे और इसको हम एसीटेट आयन बोलते हैं, दिस इज एसीटेट आयन। तो गाइस अब देखें, अब ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेडिकल बन गया हुआ है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो जो पॉजिटिव आइंस होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, नेगेटिव आइंस होते हैं एनोड की तरफ जाते हैं। तो देखते हैं जी, पहले हम एनोड पे होने वाले रिएक्शंस लिख लेते हैं। रिएक्शंस एट एनोड, एनोड एनोड पे जो रिएक्शंस होते हैं गाइस वो देख लें, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव एनोड पे जाएगा। तो देखते हैं जी यहाँ पर, अब इसका ना मैकेनिज्म अक्सर मल्टीपल चॉइस में भी आ जाती होती है ये बात कि इसका मैकेनिज्म जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये वाली बात एज अ मल्टीपल चॉइस भी पूछ ली जाती है, तो दैट्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखें यहाँ पर ये एसीटेट आयन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब गाइस इससे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखें दो बातें, एक ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये दो इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करेगा और ये जो सिंगल बॉन्ड होगा ये भी दो इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करेगा, और दूसरी बात जब हम ये डबल हेडेड एरो बनाते हैं तो इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, अगर हम सिंगल हेडेड एरो बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम बात करें तो यहाँ से ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से ये एक इलेक्ट्रॉन जाके एनोड को दे देता है, तो ये एसीटेट आयन से एसीटेट रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज एसीटेट आयन। अब ये एसीटेट आयन से जो नई प्रोडक्ट बनी है दैट इज एसीटेट फ्री रेडिकल। अब देखें अगर ये दो हैं तो यहाँ पर भी दो हो गए और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, वैसे एक भी लिखने का तो गलत नहीं होगा, दैट इज नाउ फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल ऐसी स्पीशी को कहते हैं जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो इस ऑक्सीजन को पर यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एसीटेट एसीटेट फ्री रेडिकल। गाइस अब इसमें क्या होना है, इसने रीअरेंज होना है, जब ये रीअरेंज होगा ये स्टेबल स्पीशी नहीं है तो ये ब्रेक हो जाएगा, जब ये ब्रेक होता है तो लेट्स सी हियर कि क्या होता है। यहाँ पर ये देखें, ये रीअरेंज जब होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, इधर से ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ जाएगा, ये देखें मैंने हाफ एरो शो किया, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। अब इधर से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ हुआ होमोलाइटिक ब्रेकेज। होमोलाइटिक ब्रेकेज होता है इलेक्ट्रॉन्स आधे आधे हो जाते हैं, आधे एक एटम के पास आधे दूसरे के पास, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 पे चला गया। अब यहाँ पर एक तो ये दो CH3 फ्री रेडिकल बन जाएंगे, दो CH3 फ्री रेडिकल्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि ये डॉट जो होता है हाइड्रोजन पे लगा देते हैं, ये डॉट कार्बन पे आना है, साथ में दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ये देखें ना,
ये यहाँ पर आने से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया किधर आया तो डबल बॉन्ड बन गया ना दरमियान, तो ये पूरे का पूरा मिलके CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब यहाँ पर हमारी पहली प्रोडक्ट बन चुकी हुई है, देखें हमारी पहली प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन चुकी हुई, तो ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है दैट इज़ कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो गाइस जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल अब आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मैंने तो यहाँ दो शो किए हैं ना, तो जितने भी मिथाइल फ्री रेडिकल होंगे ये आपस में रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाएंगे मेन प्रोडक्ट इथेन में, मतलब सिमेट्रिकल अल्केन में। तो यहाँ पर हमारी दूसरी प्रोडक्ट भी बन जाती है, दिस इज इथेन। एंड देन गेस व्हाट गाइस, अब क्या होगा, हमने एनोड का रिएक्शन तो लिख दिया, अब हम यहाँ कैथोड का रिएक्शन भी लिखेंगे। तो देखते हैं जी एट कैथोड क्या होता है, एट कैथोड, कैथोड के ऊपर बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स ही चले जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स कैथोड पे जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O ये कैथोड पे जाते हैं, कैथोड पे जाके ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक तो OH नेगेटिव में, एक हाइड्रोजन गैस बन जाती है, एक OH नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बैलेंस मैंने नहीं किया, चलें आप इतनी ज़िद करते हैं तो कर देता हूँ, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2, लेकिन बैलेंस नहीं करेंगे तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। हमारी यहाँ तीसरी प्रोडक्ट भी बन गई, दैट इज़ हाइड्रोजन। अब गाइस ज़रा नोट करें कि यहाँ पर एक तो ये सोडियम था जो रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद था, एक ये NaOH नेगेटिव है। अब ये क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन के अंदर मौजूद थे Na पॉजिटिव साथ में OH नेगेटिव, तो गाइस ये आपस में रिएक्शन करके दे प्रोड्यूस NaOH। तो यहाँ पर हमारी फिर चौथी प्रोडक्ट भी बन जाती है। अब ये वाला रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, आप देख लें, इसको लिखना चाहते हैं तो लिखने, नहीं लिखना चाहते ना लिखें, गलती नहीं होगी, ना लिखें या लिखते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गज ये तो होगी अल्केन्स की प्रिपरेशन। अच्छा अब अपनी बुक पे थोड़ा सा आगे जाएं, आप अल्कीन्स की प्रिपरेशन पे आ जाएं। मैंने कहा था कि ये एक ही टाइम पे करवाऊंगा अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों के रिएक्शन, तो आप अल्कीन्स की प्रिपरेशन पे आ जाएं। आपका बनेगा पेज नंबर 150, जी 150 है, 149 भी हो सकता है, 151 भी हो सकता है। अच्छा अब देखें यहाँ पर ना ये और सिंपल है, यहाँ पर अब आपको ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर अल्कीन्स बाई कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें जितना आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है आपने उतना ही लिखना है। पहली लाइन जैसे बुक में लिखी वैसे आप लिखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो गाइज सबसे पहली बात, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से होते हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर 2 COOH ग्रुप होते हैं, और उनके सॉल्ट कब बनेंगे, जब दोनों आखिरी हाइड्रोजन की जगह पे मेटल लग जाएगी, लाइक सोडियम लाइक पोटेशियम, आपकी बुक में उसने सोडियम के साथ किया है। अच्छा तो उसके बाद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का भी पता चल गया आपको, आपको सॉल्ट का भी पता चल गया, हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। डाइसोडियम सक्सिनेट की बात की गई है, ये बेसिकली सक्सिनिक एसिड की डेरिवेशन है, मैं आपको भी समझाता हूँ, लेकिन आपने याद करना जितना बुक में लिखा है कि व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लाइक सक्सिनिक एसिड्स आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस इन एन एक्वस सॉल्यूशन अल्कीन्स आर फाउंड, अल्कीन्स बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, लेट्स हैव अ लुक, इसको हम देखते हैं। तो गाइज ये देखें सक्सिनिक एसिड, इसका मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, दिस इज सक्सिनिक एसिड। गाइज अगर ये सक्सिनिक एसिड की आखिरी हाइड्रोजन की जगह पे, अब ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है बिकॉज इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दैट इज सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी आखिरी हाइड्रोजन की जगह पर मैं लाइक सोडियम लगा दूँ, ये सक्सिनिक एसिड से साल्ट ऑफ सक्सिनेट सक्सिनिक एसिड बन जाएगा, दैट इज सोडियम सक्सिनेट, इसका नाम होगा सोडियम सक्सिनेट, इट्स नेम वुड बी सोडियम सक्सिनेट एलोपाइन, सोडियम सक्सिनेट एलो जी। अच्छा जी अब वाटर की प्रेजेंस में जब इसमें से करंट पास करवाया जाता है तो दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोलिसिस, भी लिख ही दें इसके ऊपर के जी हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं,
तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बन गया. देन हम नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, साथ में NaOH बनेगा. अल्लाह आपका कर दे भला. अब ज़रा देखें, ये है हमारी मेन प्रोडक्ट दैट इज इथीन. अब ये कैसे बनेगी, ये मैकेनिज्म से पता चलेगा. तो गाइस इसका मैकेनिज्म देख लें. द मैकेनिज्म इंक्लूड्स फ्री रेडिकल. तो ये वाली बात अगेन यहाँ पर भी MCQ है कि इसका भी जो मैकेनिज्म है दैट इज बेसिकली फ्री रेडिकल. यार ग्रीन मार्कर शहीद हो गया, इसमें इंक भरनी है अभी लेक्चर के बाद. अच्छा जी, तो मैकेनिज्म इसका देख लें हम. ये होता क्या है कि ये जो सोडियम सक्सीनेट साहब हैं ये ब्रेक हो जाते हैं. यहाँ वैसे CH2 आना था. हाँ अब देखें, सोडियम सक्सीनेट जो है ये ब्रेक होगा, CH2 कार्बन ऑक्सीजन ONA कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ONA. यहाँ पर ये पोलर कंपाउंड है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. होता क्या है, ये ब्रेक हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स में. आयनाइजेशन हमेशा रिवर्सिबल होती है. यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस लिखना था मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस. तो ये आयनाइजेशन बेसिकली रिवर्सिबल होती है. तो यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी इसके ऊपर आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी इस पर आ जाता है, ये प्रॉपर नेगेटिव हो जाता है. तो यहाँ पर होगा CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ नेगेटिव. ये सक्सीनेट से सक्सीनेट आयन बन गया, सोडियम सक्सीनेट से. तो दो सोडियम आयन्स अलहदा हो जाते हैं. अब गाइस सेम वही बात, एनोड पे कौन से रिएक्शन होने हैं और कैथोड पे कौन से रिएक्शन होने हैं एट एनोड. तो गाइस जो एनोड पे होने वाले रिएक्शन हैं, जाहिर सी बात है जो नेगेटिव रेडिकल है वही एनोड पे जाएगा. तो नेगेटिव यहाँ सक्सीनेट आयन है. चलें जी मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज. एंड गाइस लुक एट दिस, अब क्या होगा, ये नेगेटिव है, यहाँ इसने अपना नेगेटिव चार्ज करना है रिड्यूस. तो जब ये जाएगा एनोड के ऊपर तो ये अपना यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनोड को दे देगा, और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा. और ये सिंगल हेडेड एरो का मतलब है दो में से एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है. तो यहाँ पर देख लें, ये जो नई प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी, ये मुनीब को भी पता है क्या बनेगी, ये भी सियाना हो गया केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के. तो जी देखें, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन प्लस ये हैं दो इलेक्ट्रॉन, एक जो यहाँ से लूज हुआ है, एक जो यहाँ से लूज हुआ है. अच्छा अब देखें, ये बेसिकली ये सक्सीनेट से सक्सीनेट आयन, ये था सक्सीनेट आयन. तो गाइस ये सक्सीनेट आयन से बन गया है सक्सीनेट फ्री रेडिकल. सक्सीनेट आयन से सक्सीनेट फ्री रेडिकल बन गया. अच्छा अब देखें, ये फ्री रेडिकल बन गया है तो अब इसमें होनी है ब्रेकेज, रीअरेंज होगा ये. तो देखें कैसे होगा, दैट इज क्वाइट सिंपल. CH2 कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन कार्बन. ये देखें अब गाइस होगा क्या, ध्यान से देखना आपने, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इधर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. एक तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा होमोलाइटिक ब्रेकेज में. इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इधर चला गया. अब ज़रा ध्यान से देखें, ये CH2 वैसे ही आ गया. ये देखें, ये CH2 वैसे ही आ गया. अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया किधर आया, तो इनके दरमियान में एक बॉन्ड और बन गया, दैट इज़ अ डबल बॉन्ड. ये बन गया इथाइन. इतना फजूल डबल बॉन्ड बना यार ये देखें, ये बन गया इथीन. और यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गया कार्बन टू ऑक्सीजन, तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन गया. इधर से ये दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन गया, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स भी इसमें
बन जाते हैं, टू CO2 मॉलिक्यूल्स बन गए। नाउ दैट इज इथीन, जो कि हमारी है मेन प्रोडक्ट। यार मेरे से डबल बॉन्ड क्यों नहीं बन रहे, इथीन जल्दियों में। अच्छा जी, हियर इट्स द डबल बॉन्ड। तो गाइस ये हमारी दो प्रोडक्ट्स तो बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली। अब दूसरी जो दो प्रोडक्ट्स हैं वो बनेगी कैथोड पे, एट कैथोड। तो कैथोड पे गाइस कुछ भी नया नहीं है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ये आप लोगों ने जो पुराने दो रिएक्शन थे उन्हीं को उठा के इधर ले आना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। कैथोड पे होने वाले जो रिएक्शन हैं वो वही होते हैं, आप इलेक्ट्रोलिसिस कैपोब्स इलेक्ट्रोलिसिस किसी भी जगह पे करवाएं। अच्छा जी, अब हम इसके बाद चलते हैं अल्काइंस की तरफ। अब अल्काइंस की प्रिपरेशन जो है क्वाइट सिंपल है। लो जी, हम करते हैं जी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। ये तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन थी ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें हम क्या करवाते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ अनसेचुरेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो अनसेचुरेटेड हैं, अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलें गाइस, अब अगर आप इतनी जिद करते हैं तो मैं ये भी आपको करवा ही देता हूँ। तो देखें, ये भी एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक से देखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से मैं आपको भी बता देता हूँ कि आपका ये पेज नंबर कौन सा होगा। स्क्रोल डाउन कर रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें। तो देखें, आपका पेज नंबर बनेगा अल्लाह बख्शे 157 बनेगा आपका पेज। तो ये भी सिंपल है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग से। तो ये तीन बेसिकली अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, अल्केन्स की प्रिपरेशन का अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, अल्कीन्स की प्रिपरेशन का अलग है, और अल्काइंस की प्रिपरेशन का अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखें जी, ये बड़ा सिंपल है, इसमें उसने पोटेशियम के साथ करवाया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अनसैचुरेटेड इसलिए लिखा है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाते हैं। क्योब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो गाइस, अब जैसे रिएक्शन लिखा हुआ है आपने ऐसे लिखना है, जितना बुक में लिखा हुआ है वो सारे का सारा आपने एज इट इज लिखना है। तो देखें इसमें क्या होगा कि यहाँ पर सारा रिएक्शन वही है, सिर्फ एक बॉन्ड हमने चेंज कर देना है। ये मैं आपको क्लियर डिफरेंस समझाता हूँ। अब ये देखें, ओ एच है, सी एच, ओ एच है, ये बेसिकली है सक्सीनिक एसिड जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। अगर इसके एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, ये बन जाता है मैलिक एसिड। अब इस मैलिक एसिड की आखिरी हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे मेटल लगा दें, सोडियम या पोटाशियम। मैं सोडियम के साथ कर रहा हूँ, बुक में पोटाशियम के साथ है, आप पोटाशियम के साथ भी कर सकते हैं। ये बन जाता है सोडियम मेलिएट, जो कि सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड है। इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करवाते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है और ये सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच इथाइन बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है साथ में इसके हाइड्रोजन गैस और साथ में एन ए ओ एच प्रोड्यूस हो जाता है। अब मैकेनिज्म क्वाइट सिंपल है, अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताने वाला क्योंकि इसका मैकेनिज्म बिल्कुल पिछले मैकेनिज्म के जितना है, जैसा है वो भी फ्री रेडिकल था, ये भी फ्री रेडिकल है, और ये वाली बात MCQ में आ सकती है, ज़रा ध्यान से करनी है आपने। अच्छा जी देखें, मैकेनिज्म में सबसे पहले तो ये ब्रेक होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में, CH डबल बॉन्ड CH कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सोडियम। यहाँ पर देखें, अच्छा इसको ऐसा है कि इसको जब ये ब्रेक होगा इसमें से करंट पास करवाएंगे, मतलब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, जब
इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करवाएंगे तो देखें ये भी बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया, ये भी बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा मेलिएट आयन, डबल बॉन्ड सी एच कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। मुनीब थक तो नहीं गए हो? लेक्चर ख़त्म होने वाला है, बस दो तीन मिनट की बात रह गई यार। अच्छा ये देखें, नाउ दैट इज़ इसकी बात करें ना, तो ये था सोडियम मेलिएट जो कि सॉल्ट ऑफ अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था, सोडियम मेलिएट मेलिक एसिड से बना, ये मेलिएट आयन बन गया, मेलिएट आयन और ये सोडियम आयन। अब इनफैक्ट गाइस होगा क्या कि एनोड पे जो रिएक्शंस होंगे हम वो लिख देंगे एट एनोड, एनोड पॉजिटिव होता है तो इसके ऊपर नेगेटिव आयन ही जाता है, दैट इज मेलिएट आयन। तो ये जो मेलिएट आयन है सी एच डबल बॉन्ड सी एच कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से लूज़ होगा, एक इधर से लूज़ होगा, और ये मेलिएट आयन से मेलिएट फ्री रेडिकल बन जाएगा लाइक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने लूज किया, दैट इज मेलिएट फ्री रेडिकल, मेलिएट फ्री रेडिकल, दिस इज मेलिएट फ्री रेडिकल। अब देखें इसमें होनी है पहले की तरह रीअरेंजमेंट, कैसे होगी ये रीअरेंजमेंट होगी तो हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। और फाइनल प्रोडक्ट बनेगी तुम्हारा लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा अल्लाह बख्शे। अब ये देखें ये कैसे रीअरेंज होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएगा, इधर से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, होमोलाइटिक ब्रेकेज है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास दूसरा दूसरे के पास, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ गया। अब यहाँ तो बन गया ट्रिपल बॉन्ड, ये बन गया इथाइन, साथ में ज़रा देखें एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ये बन गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ये बन गया, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं। तो गाइस हमारी दो प्रोडक्ट तो बन गई, इथाइन भी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई, दिस इज इथाइन। तो गाइस ये भी बन गया। और अब देखें हम एनोड पे क्या रिएक्शंस होते हैं एट एनोड। तो गाइस एनोड जो है यहाँ पर भी सेम यही रिएक्शंस इधर आ जाएंगे, हमें अलग से करने की ज़रूरत है ही नहीं। एट कैथोड आना है यहाँ। हाँ मनीब तुमने तो मेरी गलती निकाल दी यार, कल से तुम पढ़ाया करो बच्चू, पढ़ाएगा कल से इंशाल्लाह। चलो जी, लो जी कल से आपको गाइस मनीब पढ़ाएगा, मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, वेखने की पढ़ाना है। चलें जी भाई जान, अब ये देखें ये आपने सेम कैथोड वाले जो रिएक्शंस है ना वो आपने सेम रखने हैं, वो आपने चेंज नहीं करने। तो गाइस इनफैक्ट ये है सारा आपका कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, तो होपफुली आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। ये एक नहीं ये तीन लॉन्ग क्वेश्चन है, अल्केन्स की प्रिपरेशन का अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, अल्केन्स की प्रिपरेशन का अलग है, और अल्काइन्स की प्रिपरेशन का अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। और गाइस अब इसमें ना हम इसको यहाँ क्लोज करते हैं, आपके लिए प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स भी कंप्लीट हो गया, कल से हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन्स पढ़ेंगे, उस पर दो लेक्चर लगेंगे आई थिंक सो, और वो सारी रिएक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद जो है हम इस चैप्टर को क्लोज कर लेंगे। आगे एक्सरसाइज का सलूशन है वो मैं आपको वो भी करवा दूंगा, फिर हम चैप्टर 9 की तरफ चले जाएंगे। तो गाइस आई क्लोज द लेक्चर हेयर, बस आप लोग जाने से पहले जो लोग वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे वाला एक प्यारा सा कमेंट भी करना है दिल वाला, और मुनीब के लिए भी और मेरे लिए भी, और जो है लिंक ज़रूर शेयर किया करें यार दोस्तों के साथ, किसी और का फ़ायदा हो जाए। आप बहुत ही कंजूस हैं, आप किसी को नहीं बताते इसके बारे में,
और YouTube ऑडियंस के ग्रुप में भी आप ऐड करवा सकते हैं लोगों को, उसका लिंक फॉरवर्ड करके भी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी गाइस अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।